कल भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का एक वीडियो जारी किया और उसमें उन्होंने ये दावा किया कि अरविंद केजरीवाल जी तीनों फार्मर्स बिल के समर्थन में बहुत पुरजोर तरीके से उनका समर्थन कर रहे हैं, उसकी वकालत कर रहे हैं, उसके फायदे गिना रहे हैं। तो मैं चाहता हूं पहले तो एक बार मैं वो वीडियो दिखा दूं आपको जो कल भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया था। उनके भारतीय जनता पार्टी ने ट्विटर से अपने हैंडल से ट्वीट किया और फिर उन्होंने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भी उस वीडियो को ट्वीट किया। तो पहले मैं वो वीडियो आपको एक बार दिखा देता हूं जो वीडियो उन्होंने कल ट्वीट किया था। जमीन नहीं जाएगी, आपका इंडस्ट्री नहीं जाएगा, आपकी मंडी नहीं जाएगी। अब किसान अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। नहीं, अब किसान को अच्छे दाम मिलेंगे, वो मंडी के बाहर कहीं भी कहां दिख रहा है। सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा कृषि क्षेत्र में। जमीन नहीं जाएगी, आपका सो तो पहले भारतीय जनता पार्टी ने ये वीडियो ट्वीट किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के और नेताओं ने ट्वीट किया और उनके नेशनल स्पोक्स पर्सन से ट्वीट कराया उन्होंने अपने। दरअसल ये वीडियो जो है वो अरविंद केजरीवाल जी के एक टीवी इंटरव्यू का एडिटेड डॉक्टर्ड वर्जन है, जिसमें कहीं कहीं से शब्द उठा के, कहीं कहीं से कुछ कुछ लाइन उठा के, उसको जोड़ तोड़ के भारतीय जनता पार्टी ने एक फर्जी स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश की है। अरविंद केजरीवाल जी की एक फर्जी बाइट क्रिएट करने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने और उनके नेता संबित पात्रा जी ने। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि ये इंटरव्यू जो था वो ओरिजिनल क्या था, कहां कहां से उन्होंने क्लिप्स उठाई, उसमें से कौन सा बाइट डिलीट की और फिर इस तरह की क्लिप बनाई जिससे ऐसा लगे कि अरविंद केजरीवाल जी तीनों किसान कानूनों के समर्थन में उसके फायदे गिनाने का इंटरव्यू दे रहे हैं। वो पहले ठीक से नहीं चला था, पहले वो वाली बाइट चलाओ, पहला वाला बाइट चलाओ पहले। जमीन नहीं जाएगी, आपका इंडस्ट्री नहीं जाएगा, आपकी मंडी नहीं जाएगी। अब किसान अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है, अब किसान को अच्छे दाम मिलेंगे, वो मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकता है। दिलीप जी ये 70 साल के अंदर सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा कृषि क्षेत्र में। ये पहला वो था। अब इसका देखिए कि जो ओरिजिनल टीवी इंटरव्यू था और जो इन्होंने बीजेपी ने कुचक्र साजिश रची है उसको देखिए, मैं यहाँ उसका पर्दाफाश कर रहा हूँ। जमीन नहीं जाएगी, आपका इंडस्ट्री नहीं जाएगा, आपकी मंडी नहीं जाएगी। भाषण में कहते हैं जी किस बिल से आपकी जमीन नहीं जाएगी, तो फायदा नहीं हुआ, तो तीन जमीन तो थी, आपका इंडस्ट्री नहीं जाएगा तो फायदा नहीं हुआ, ये तो था ही, आपकी मंडी नहीं जाएगी तो था ही फायदा। फायदा क्या हुआ, एक भी इनका नेता एक भी फायदा नहीं गिना पा रहा। अब किसान अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है, अब किसान को अच्छे दाम मिलेंगे, वो मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकता है। अब किसान अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है, यही फायदा गिनाते हैं ये। अब किसान को अच्छे दाम मिलेंगे, वो मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकता है। दिलीप जी ये 70 साल के अंदर सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा कृषि क्षेत्र में। एक तो ये तीनों किसान बिल वापस लें और दूसरा MSP का जो वो मांग कर रहे हैं कि MSP की गारंटी का कानून लाया जाए। MSP स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से 50% प्रॉफिट के हिसाब से जितनी कॉस्ट है उसका 50% ऐड करके MSP तय की जाए। अगर ये आ गया, दिलीप जी ये 70 साल के अंदर सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा कृषि क्षेत्र में। तो किस तरह से जानबूझ के उसमें से लाइनें एडिट करके, डिलीट करके, शब्दों को जोड़ तोड़ के पूरा डॉक्टर्ड वीडियो भारतीय जनता पार्टी ने अपने हैंडल से और फिर अपने नेशनल प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता के हैंडल से ट्वीट किया, ये दिखाने की कोशिश करते हुए कि देखिए अरविंद केजरीवाल जी किस तरह से किसानों के समर्थन में, किसान बिलों के समर्थन में इंटरव्यू दे रहे हैं।